उत्तर प्रदेश में बीते दिनों मुलायम सिंह की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी थी। वहीं इसके कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी जान से मारने की धमकी दी गई। बता दें, अब अपर्णा यादव और बीजेपी सांसद को मिली धमकी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, अब अपर्णा यादव और बीजेपी सांसद को मिली धमकी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बताया गया है कि जिस नंबर से अपर्णा यादव को धमकी दी गई थी, उसी नंबर से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी धमकी दी गई थी। आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दुबई से की गई इस कॉल के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। बता दें, दोनों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई है। बता दें कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपर्णा यादव को 72 घंटे के अंदर AK-47 से हत्या करने की धमकी दी गई थी। उनके साथ कॉल पर अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। इस धमकी के बाद लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में IPC की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए हत्या की धमकी मिली थी, जिसके बाद IPC की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।